हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 8 जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कल बहुत बड़ा वो आया था। उन्होंने कहा है कि अब हम सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करेंगे वैक्सीन्स। अब क्या है कि ये सब पॉलिटिक्स चलेगी, बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो हैं, जो स्टेट्स हैं या जो पार्टीज़ हैं, वो सब इकट्ठे होके अब वो कोई कह रहा है कि हमने लेटर्स लिखी। ओडिशा के सीएम कहते हैं हमने लेटर्स लिखी, ममता बनर्जी कुछ कह रही है, केरला के सीएम कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रही है मैंने कहा था तो मान रहे हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स चल रही है। बेसिक फंडा ये है, अब ये भी पक्का है या नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या था कि सेंटर से कहा था कि आपने 35,000 करोड़ जो है यूनियन बजट में वैक्सीन्स के लिए आपने एलोकेट किए थे, तो इसका मुझे कच्चा चिट्ठा दो कि आपने अभी तक उसमें से क्या खर्चा किया है, क्या नहीं खर्चा किया, और आप इस फंड्स को क्यों नहीं यूज़ कर सकते फ्री वैक्सीनेशन के लिए फ्रॉम द एज ग्रुप 18 to 44 ईयर्स। ठीक है, तो अब ये बेसिकली क्या था, ये ही सब बातें चल रही हैं। तो इन न्यूज़ में ना जाना, अभी हो सकता है आगे कुछ और हो जाए, फिर ये स्टेट्स को दे दें, स्टेट्स के बाद फिर सेंटर पे आ जाए, हिंदुस्तान है कुछ भी हो सकता है। बहुत ये हर कंट्री की बात है, पॉलिटिक्स बहुत चलती है इन चीज़ों में। पढ़ने वाली चीज़ क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 6 जनवरी के एनालिसिस में पढ़ लीजिएगा प्लीज़। मिशन इंद्रधनुष की बात करी उन्होंने, वो 24 फरवरी के एनालिसिस में पढ़ लीजिएगा। मैं तभी कहता हूँ लास्ट के लेक्चर्स एक बार आप कंप्लीट कर लेंगे ना पुराने, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार दोबारा एनालिसिस पे जाने का जरूरत नहीं होगी, आपके लेक्चर्स ऑलरेडी आपके नोट्स बन चुके होंगे। अब क्या है कि एक थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा फॉर्डर्स हैं ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं ना, वो अब फीस चार्ज कर सकते हैं लॉकडाउन जब से एंड हुआ है तब से। क्या था कि दिल्ली गवर्नमेंट चली गई थी भैया स्टे लगवाने के लिए कि भैया प्राइवेट स्कूल्स को मना करिए वो फीस ना लें। तो दिल्ली कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, क्या होता है कि अगर आपको आता है क्वेश्चंस कि ये फीस लेना कितना जायज़ है कितना नहीं, तो आप ऐसे क्या होता है कि आपकी ओपिनियन कुछ भी हो सकती है, मेरी ओपिनियन कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपको ठीक लगे, मेरे को हो सकता है मैं गलत कहूँ। हाई क्लास वाला जो बहुत पैसा होगा यार लेने, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई लो मिडिल वाला होगा जिसकी नौकरी चली गई होगी नहीं लेनी चाहिए, मुझे बच्चे को तो पढ़ानी पड़ेगा मैं क्या करूँगा, तो हर की ओपिनियन अलग हो सकती है। तो आपको इसमें क्या है कि आपको जो रूलिंग्स आती है ना, आपको वो दिखानी चाहिए ताकि उससे क्या आपका आंसर बैलेंस्ड हो जाता है। थोड़ा बहुत आप अपनी ओपिनियन लिख सकते हैं, बट आपको बैलेंस के लिए कोर्ट की रूलिंग्स लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, उनको ज़्यादा होशियार माना जाता है बेसिकली। ठीक है, तो आप कैसे, बड़ा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भैया पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट बन रही है। पॉपुलिस्ट मीन्स गरीबों का सोचना सिर्फ, आपको पैसा स्कूल्स को भी दीजिए, क्योंकि पॉपुलिस्ट बेसिकली गरीबों की बात नहीं होती, मैं आपको वैसे क्लियर कर दूँ। पॉपुलिस्ट मीन्स ये ना फंडा आया था पॉपुलेशन, जो मतलब मेजर पॉपुलेशन है उसके बारे में सोचना, तो ये फंडा था पॉपुलिस्ट। जैसे एक बारी आपको याद होगा कि जब प्रणब मुखर्जी ने कहा था, जब ये केजरीवाल वो करा करते थे धरना दिया करते थे, तो उनको कहा था कि यू आर अनार्किस्ट, जो लॉ तोड़ता है, तो उन्होंने कहा था आई एम पॉपुलिस्ट अनार्किस्ट, मैं पॉपुलिस्ट लोगों के लिए अनार्की करता हूँ। तो ये बेसिकली मेजॉरिटी के लिए होता है ये चीज़ फंडास। तो उन्होंने कहा कि भैया स्कूल्स को पैसा दो, जाने दो, क्योंकि स्कूल्स को भी पैसा चाहिए, दे नीड टू रन द स्कूल्स, दे नीड टू पे द टैक्सेस। तो ये हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है, इट इज़ एज अ फॉर्डर। उसके बाद पेज 5 पे एक और फॉर्डर था, थोड़ा सा सोशल इश्यूज़ पे, कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को कि आप अपनी साइट्स पे ना एनलिस्ट कीजिए एनजीओज वगैरह, और उन एनजीओज के बारे में जो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हो, मॉनिटरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, लीगल असिस्टेंस देते हो, प्रोटेक्शन तो देते हो, जब तक आप कोई लॉ नहीं लेके आते एलजीबीटी क्यूआईए कम्युनिटी के लिए। ठीक है, उन्होंने एक और कहा है कि आपको जो अपने शॉर्ट स्टे होम्स बना रखे हैं, आपने आंगनवाड़ी शेल्टर्स बना रखे हैं, गरिमा गृह, ये गरिमा गृह क्या है, कभी अगर प्रेलेंस में आता है तो गरिमा गृह जो है शेल्टर होम्स है फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस, वो कहते हैं इनके अंदर भी अप्रोप्रिएट चेंजेस लीजिए फॉर प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन, फूड, मेडिकल केयर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। ठीक है, ये थोड़ा सा सोशल इश्यूज़ पे आता है कि क्या कोर्ट सोशल इश्यूज़ के लिए क्या कदम उठा रही है, या गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए, या आप क्या सोचते हो, तो आप ये एग्जांपल्स दे सकते हो। एडिटोरियल पे आज कुछ भी वो नहीं था ढंग का। एक एडिटोरियल पे ना वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, एक आपको मैं बताता हूँ, 2016 के बाद, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द ईयर, 16 था, 17 था, 18 था, 19 था, कौन सा था, उसमें ना लोन वुल्फ प्रेलेंस पूछा था, व्हाट इज़ लोन वुल्फ, तो ऐसे ना ये बहुत पूछ लेते हैं ऐसी टर्म्स। तो अगर आपने देखा हुआ चाइना के ऊपर जो आया हुआ है, जिसमें वो चाइना ने बेसिकली ये आया है, चाइना का मैं बांग्लादेश को साफ साफ कहा है कि आपके हमारे से रिश्ते ख़राब हो जाएंगे अगर आपने क्वाड ज्वाइन किया, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनली कि आजकल ये चाइना क्या अपनी धमकियाँ देता फिर रहा है, बट वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है क्या, ये बेसिकली ना अब ये जो डिप्लोमेसी जो लेके आए हैं ये चाइनीज़ डिप्लोमेसी का है, ये अगर
डिस्क्राइब करता है तो ये बहुत अग्रेसिवली आजकल अपनी डिप्लोमेसी अडॉप्ट की है इन्होंने, चाइनीज़ डिप्लोमेट्स ने। ठीक है, पहले क्या था, ये एक तो टर्म क्यों दी गई है इनको, एक तो ये ना चाइनीज़ मूवी आई थी वुल्फ वॉरियर 2, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, अच्छी मूवी है, तो इंटरेस्टिंग मूवी है थोड़ी। तो इसमें क्या है कि पहले तो क्या था कि चाइनीज़ डिप्लोमेट जो होते थे ना बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन, कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए अवॉइड करते थे। अब क्या है, वो खुल के बोलने लग गए हैं। जैसे आपने देखा होगा चाइनीज़ एम्बेसडर ने बांग्लादेश में खुल के कह दिया कि भैया अगर आपने इससे ज्वाइन किया तो हमारे साथ रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। चाहे बांग्लादेश ने बाद में धमका दिया कि भैया हमारी फॉरेन पॉलिसी हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। तो ऐसे क्या है, वुल्फ वॉरियर मीन्स जब ये खुल के बोलने लग गए हैं, ये चाइना वालों ने अडॉप्ट की है अग्रेसिव स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी, फुल कंट्रोवर्सी में आओ, फुल बोलो, फुल खुल के बोलो, अगर कोई आपके चाइना के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसकी धज्जियां उड़ा दो। ये बेसिकली ये कॉम्बैटिव स्टेट लाया है एक डिप्लोमेसी में अपने, तो दैट इज़ कॉल्ड वुल्फ वॉरियर। ठीक है, उसके बाद एक पेज 8 पे था, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये भी फॉर्डर है, उसने कहा है कि इलीगल एडॉप्शन बहुत हो रही है, जो कोविड ऑर्फन्स हो रहे हैं थ्रू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो और सिस्टम ये होना चाहिए कि एडॉप्शन जो हो वो लॉफुल हो, ओनली आफ्टर द एडॉप्शन प्रॉपर प्रोसीजर जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दे रखा है वो फॉलो हो, और फाइनल अडॉप्शन ऑर्डर जो है इट इज़ इफ़ इट इज़ पास बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ये ही प्रोसेस होना चाहिए अगर आपने किसी ऑर्फन को अडॉप्ट करना है। बट क्या है, कोविड केसेस में अगर आपको इम्पैक्ट ऑफ कोविड पूछा जाता है या कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्फन्स थे उनकी बड़ी इलीगल अडॉप्शन हुई है। ये फॉर्डर्स हैं, ये लिख लीजिए करिए, इसका ये मत सोचिए एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आ सकता है, ऐसा कुछ आ सकता है, दीज आर जस्ट फॉर्डर्स। पेज 8 पे था, जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा है, देखिए राइट टू एक्सेस टू जस्टिस जो है वो अंडर आर्टिकल 21 आता है, वो कहते हैं राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस में शामिल है राइट टू एक्सेस लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ये लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग्स ना बड़ा चल रहा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपको आर्टिकल 21 जो है फंडामेंटल राइट राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस देता है तो आपको साथ में राइट टू एक्सेस लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी देता है। तो सब अगर प्रेलेंस में पूछ लेते हैं तो याद रखिएगा राइट टू एक्सेस लाइव कोर्ट इज अंडर आर्टिकल 21। उन्होंने कहा कुछ केसेज हैं जैसे मैट्रिमोनियल हो गया, पॉक्सो के हो गए, जुवेनाइल जस्टिस हो गए, ये एग्जेम्प्टेड होंगे, बट अगर वो कहते हैं कि उन केस काफ़ी केसेस हैं जिनको वो एग्जेम्प्ट करेंगे लाइव स्ट्रीम से जो एंटी एथिकल होंगे टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, एंटीथेटिकल होंगे। और दूसरा क्या है कि उन्होंने कहा फाइनल डिसीजन जो लेगा, ड्राफ्ट किया उन्होंने थोड़े रूल्स, उनका जो फाइनल डिसीजन कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए किसी केस की या नहीं होनी चाहिए, वो जिस बेंच के आगे केस चल रहा होगा वो बेंच डिसाइड करेगा, बट वो बेंच कैसे डिसाइड करेगा, दे विल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एन ओपन जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, उनको गाइड कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा ये डिसीजन लेने के लिए कि लाइव स्ट्रीम हो या ना हो, प्रिंसिपल ऑफ एन ओपन जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, उस पर एक इंटरनेशनल पेज पे था कि वो पूरा चाइना का दे रखा था, उसमें क्या पढ़ने वाला है ये देखेगा, एक तो लैनसेंग मेकोंग कॉरपोरेशन क्या है, ये बेसिकली कॉरपोरेशन है बिटवीन द जो ये लैनसेंग और मेकोंग रिवर शेयर करते हैं ना, कि वाटर को लेके कोई डिस्प्यूट्स ना हो जाए, क्योंकि चाइना क्या बहुत धड़ाधड़ डैम्स बना रहा है इस पर, तो उस वजह से ये कॉरपोरेशन बनाया गया था इन 2016। इसमें कौन सा, क्योंकि लैनसेंग जो है वो पार्ट ऑफ मेकोंग रिवर है और वो फ्लो करता है थ्रू चाइना, बाकी मेकोंग रिवर कहाँ कहाँ जाती है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, तो ये पांच कंट्रीज कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और चाइना, इनके बीच में कॉपरेशन है। आपसे ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं लैनसेंग मेकोंग कॉपरेशन जो है उनमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, तो ये ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आरसीपी के बारे में देखा, आरसीपी का इंडिया का इशू क्या है वो हमने 12th जनवरी के एनालिसिस में देखा था कि इंडिया ने क्यों छोड़ दिया, और इंडिया चाइना इन क्वाड इशू क्या है ये 20th मार्च के एनालिसिस से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और चाइना और क्वाड के बीच में क्या वो है। उस पर इंटरनेशनल पेज पे था, आपको पता होगा यूनियन जनरल असेंबली के इलेक्शन होने थे मालदीव्स का, वो जीत गए हैं, वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, बेसिकली क्या है मालदीव्स और अफगानिस्तान दोनों के ही बहुत अच्छे टाइज है इंडिया के साथ। अब इंडिया क्या है दुविधा में आ गया था कि भैया मालदीव्स का साथ दे या इंडिया का साथ दे, वो अफगानिस्तान का साथ दे, पर इंडिया ने वोट किया इन फेवर ऑफ मालदीव्स, क्योंकि इंडिया ने साफ साफ बोल दिया अफगानिस्तान को कि भैया हम नहीं कर सकते आपका सपोर्ट, क्योंकि हमने नवंबर में ही डिक्लेयर कर दिया था अपना सपोर्ट मालदीव्स के लिए, और आपने उस टाइम तक कोई अपना कैंडिडेट जो है अनाउंस ही नहीं किया था, आपने इतनी लेट किया जब तक हम अपना अपना सपोर्ट दे चुके थे उसको। क्या होता है चाहे कुछ भी हो आप उसने कितना समझाने, क्या होता है एक आदमी के मन में ना गुस्सा आ जाता है कि यार तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, और उसके बाद वो हार जाए ना और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो थोड़ा सा अगर इंटरनेशनल रिलेशंस पे आए, अफगानिस्तान इंडिया के बारे में कुछ पूछ रहे हो, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे इशू भी हुआ था, बट फिर कोई बात नहीं चलता है, इतना बड़ी दुनिया है, छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।